अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहमतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट का पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों, यदि फिल्में देखने आपको पसंद है, वीडियो हॉलीवुड की, बॉलीवुड की, किसी तरह की फिल्में आप देखते हैं तो दोस्तों उसके रिलेटेड एक मैंने चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो लिंक पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों खबर जो आ रही है कतर से, वो बहुत ही बड़ी खबर दोस्तों, वो आ रही PHCC की तरफ से आ रही, यानी प्राइमरी हेल्थ केयर कॉर्पोरेशन की तरफ से आ रही है। प्राइमरी हेल्थ केयर कॉर्पोरेशन की तरफ से बताया गया है कि जितनी भी वैकेशन की छुट्टियां जो दी गई थी सभी को, वो सभी की छुट्टियां वापस ली जाती है। वो दोस्तों एक बहुत ही इमरजेंसी नोटिस वहां पे जारी किया गया कि अनटिल फर्दर नोटिस तक, ये बहुत ही जल्दी जितने लोगों को वहां पे छुट्टियां दी जाती थी साथियों, जैसे कि हो गया वहाँ पे इम्प्लॉय ऑफ मेडिकल, नर्सिंग, लेबोरेटरी, रेडियोलॉजी, फार्मेसी, क्लिनिक सपोर्ट डिपार्टमेंट और जितने भी तरह के हॉस्पिटल वगैरह में काम करते हैं सभी को छुट्टियां को जल्द से जल्द कैंसिल की जाएगी और सभी को बुलाया जाएगा। क्योंकि साथियों आपको पता है कि ओमिक्रॉन वायरस जो है वो हर जगह वहां पे पैर पसारता जा रहा है और बहुत सारे से देश में फैल भी रहा है। तो दोस्तों कतर इसमें रिस्क नहीं लेना चाहता है, इसी की वजह से हो सकता है सभी को छुट्टियों को वहां पे कैंसिल कर दिया जाएगा। अगली जो अपडेट दोस्तों आ रही है वो कतर MOPH की तरफ से आ रही, यानी कतर हेल्थ कॉर्पोरेशन की तरफ से आ रही दोस्तों खबर यह है कि 24 घंटा के अंदर वहां पे 343 केसेस को वहां पे रजिस्टर किया जा चुका है दोस्तों। जहां पे केस कतर में काफी कम आते थे, 100, 100, 150, वहां पे आप लगभग 350 केस आने लगे, तो ये काफी ज्यादा चिंता की बात है। अगली जो अपडेट दोस्तों आ रही है, HMC अनाउंस स्ट्रिक्ट विजिटर पॉलिसी COVID-19 अदर फैसिलिटी। दोस्तों बताना चाहूंगा आपको कि हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन की तरफ से एक महानियम बनाए जाएंगे कि जो भी हॉस्पिटल के अंदर एंट्री लेगा या वहां पे खड़ा रहेगा या फिर किसी की वहां पे रिपोर्ट देना होगा तो उसके लिए अलग से एक नियम बनाए जाएंगे दोस्तों। इसके बारे में पूरे डिटेल के साथ वीडियो में कल आपको बताऊंगा। आज दोस्तों यदि वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, पर इतना बताता हूं हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया जिसके लिए वहां पे जो भी वहां पे हॉस्पिटल में सबके लिए एक नियम बनाया जाएगा, कैसे एंट्री लेना है, कितनी देर वहां पे आपको खड़े रहना है, इसके बारे में दोस्तों पूरी अपडेट कल मैं आपको बताऊंगा। अगली जो अपडेट दोस्तों आ रही है वो दोहा म्युनिसिपैलिटी हेल्थ कंट्रोल की तरफ से आ रही है। दोहा म्युनिसिपैलिटी हेल्थ कंट्रोल की तरफ से बताया गया कि लगभग 36,917 इंस्पेक्शन टूर वहां पे किए गए फूड आउटलेट में और रिटेल शॉप में पूरे दोहा में और इंडस्ट्रियल एरिया में भी किए गए, जिनमें से लगभग वहां पे 1520 वायलेशन को वहां पे रिपोर्ट किया गया है जो कि लॉ नंबर 8/1990 के तहत रेगुलेशन को ह्यूमन फूड कंट्रोल के तहत दोस्तों वहां पे तोड़ा गया है। लगभग वहां 177 फूड आउटलेट में और लगभग वहां पे 177 फूड आउटलेट को वहां पे बंद किया गया, लगभग 1398 वायलेशन को वहां पे सॉल्व किया गया, यानी दोस्तों फाइन वगैरह लगा के लगभग 1763 फूड सैंपल को वहां पे उठाया गया लेबोरेटरी टेस्ट के लिए, जो कि जो भी इसमें पाया जाएगा वहां पे किसी गलती पाई जाती तो उन सभी पे वहां पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट थी, कुछ खबरें थी जो कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथ ही नेक्स्ट वीडियो पे, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।